तो दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि दौड़ने से जोड़ों की सूजन छूमंतर होती है और हड्डियां होती हैं ताकतवर। आइए जानते हैं हमारे इसी वीडियो में। जिंदगी की जंग जीतना है तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं, बस मन को रफ्तार दें, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि दौड़ लगाने से हम लंबी और स्वस्थ चाल चल सकते हैं। चिकित्सकों ने पैरों को दूसरा दिल माना है और उनका मानना है कि दौड़ने अथवा तेज चलने से हृदय स्वस्थ रहता है और लोग अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक शोध में साबित किया है कि दौड़ लगाकर दिल को स्वस्थ रखने का खामियाजा घुटनों को नहीं भुगतना पड़ता। दौड़ने से घुटनों के जोड़ों में सूजन और दर्द नहीं होता, बल्कि इसके उलट जब हम दौड़ते हैं तो घुटनों के जोड़ों की सूजन खत्म होती है, घुटने मजबूत बने रहते हैं और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियां जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अमेरिका में उटा घाटी के प्रोवो में स्थित बर्मिंगम यूनिवर्सिटी BYU के एक्सरसाइज साइंस के सह प्रोफेसर एवं मुख्य शोधकर्ता रॉबर्ट हिलडॉल और इंटरमाउंट नेशनल हेल्थ केयर इरिको रॉबिन्सन की टीम ने 17 से 35 साल के स्वस्थ लोगों पर अध्ययन किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। प्रोफेसर हिलडॉल ने बताया कि इस उम्र में आधे घंटे तक की दौड़ लगाने के बाद उनके जोड़ों पर फ्लूइड का परीक्षण किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि शोध में शामिल लोगों के स्नोवियल फ्लूइड निकाल कर GM-CSF और IL-15 मार्क परीक्षण किया गया, यानी इस परीक्षण में जोड़ों में सूजन बढ़ाने वाले तत्वों की जांच की गई। शोधकर्ताओं के अनुसार 30 मिनट की दौड़ लगाने वाले लोगों में सूजन पैदा करने वाला तत्व कम हुआ, जबकि इसी उम्र के दौड़ नहीं लगाने वाले लोगों में ये कम नहीं हुआ था। शोधकर्ताओं ने ये भी कहा कि स्वस्थ लोग अगर एक्सरसाइज करें तो जोड़ों की समस्या से दूर बने रह सकते हैं, क्योंकि दौड़ने और इस तरह की अन्य गतिविधियां करने से सूजन पैदा करने वाले तत्वों पर असर पड़ता है, आर्थराइटिस की आशंका कम रहती है और हड्डियों में मजबूती आती है। एक तय समय तक दौड़ने से घुटनों की कार्टिलेज अथवा कुशन सामान्य तरीके से काम करते हैं। इन्हें सक्रिय रखने वाले पदार्थ कार्डियोप्रोटेक्टिव की मौजूदगी बनी रहती है, जिसमें जोड़ों के बीच में जगह नहीं बनती और हड्डियां आपस में घिसटती नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑस्टियोआर्थराइटिस की आशंका भी क्षीण रहती है। उन्होंने कहा कि विश्व भर की बड़ी संख्या ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है और अकेले अमेरिका के 2,70,00,000 लोग इससे ग्रसित हैं। अमेरिका के रूमटोलॉजी कॉलेज में भी किए गए शोध में दौड़ने घुटनों के स्वास्थ्य में संबंध पाया गया है। मुख्य अध्ययनकर्ता डॉग्रेस हासी ओविलोके के अनुसार दौड़ने से घुटने स्वस्थ तो रहते ही हैं, ये दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। उन्होंने कहा, हमने 2683 लोगों पर अध्ययन किया, जिनमें 54% महिलाएं थी। शोध में भाग लेने वालों लोगों की औसत उम्र 64 थी। इस दौरान हमने पता लगाया कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर दौड़ने वाले लोग नहीं दौड़ने वालों की अपेक्षा हर तरह से अधिक स्वस्थ और सुडौल थे और उनके घुटनों की समस्याओं से भी कम वास्ता था। दोस्तों, नोएडा के कैलाश अस्पताल के सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर AP सिंह ने यूनिवार्ता से विशेष बातचीत में ये भी कहा कि आप उम्र के किसी भी पायदान पर हैं और आपके घुटनों में किसी भी तरह की समस्या नहीं है तो आधे घंटे तक दौड़ लगाकर घुटनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर घुटनों में किसी प्रकार का रोग है तो इन पर जोर डालने और दौड़ लगाने से इनकी स्थिति खराब हो सकती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अगर BYU और अन्य यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की टीम ने अपने शोध में दौड़ने के कारण सूजन में कमी पाई है तो ये स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा, लेकिन ये तय है कि हमारा कई सालों का अनुभव भी बताता है कि आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, रनिंग घुटनों को स्वस्थ रखती है, लेकिन अधेड़ उम्र में इन पर जरूरत से ज्यादा भार देने और प्रतिदिन आधा घंटा से अधिक दौड़ने, टहलने या जॉगिंग करने से घुटनों की कार्टिलेज घिसने लगती है और धीरे धीरे हमें घुटनों की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारियां होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बीमारी पकड़े तो इसका संपूर्ण उपचार संभव नहीं है, लेकिन समय हर तरह के रोग को पकड़ में ले सकता है। अनेक प्रकार के उपचार से इसकी रोकथाम की जा सकती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज को नुकसान होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज हड्डियों के बीच
में एक प्रकार की मुलायम कुशन की तरह काम करती है। धीरे धीरे जब ये नष्ट होने लगती है तब जोड़ों पर भार पड़ने पर हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। ये रोग 50 साल या उससे अधिक आयु में लोगों को प्रभावित करता है। वैसे तो ये शरीर के किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है, पर घुटनों से संबंधित समस्याएं अधिक होती हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 40 के बाद समय समय पर अपनी जाँच करानी चाहिए और शरीर में विटामिन डी कैल्शियम के स्तर के बारे में आवश्यक जानकारी रखनी चाहिए। संतुलित पौष्टिक आहार, व्यायाम, अन्य प्रकार की शारीरिक गतिविधियां, दौड़, जॉगिंग को दिनचर्या में आवश्यकता के हिसाब से हिस्सा बनाना चाहिए। रनिंग के कुछ अन्य फायदों के बारे में चौंकाने वाले तथ्य हैं, जिनके बारे में कह सकते हैं कि सुंदर और स्वस्थ बनना है तो भागो। उन्होंने कहा कि दौड़ना एक संपूर्ण व्यायाम है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज मधुमेह एक आम बीमारी बन गया है। ऐसे रोगियों को दवा के साथ साथ टहलना और दौड़ना जरूरी है। इससे इंसुलिन बनने की प्रक्रिया में सुधार होता है। शरीर में रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। दौड़ने को दिनचर्या में शामिल करने के बाद दमा के असर को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा जोड़ों को शक्ति मिलती है और अस्थि घनत्व बढ़ता है, जिससे हड्डी संबंधित कई प्रकार का खतरा नहीं होता। कुल मिलाकर दौड़ने से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संतुलित होता है और टेंशन या स्ट्रेस जैसी समस्याओं से नाता कम हो जाता है। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि दौड़ने से संबंधित एक राज की बात है, जिसे जानने की हर व्यक्ति की ख्वाहिश होगी। जाहिर है आप भी सुनना चाहेंगे, तो जान लीजिए कि इससे चेहरे पर ऐसी चमक आती है कि आपका फेशियल भी फेल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आज से ही दौड़ना शुरू कर दें। अपनी उम्र के हिसाब से अपने दौड़ने का समय निश्चित करें और उसके हिसाब से दौड़ना शुरू कर दें। अगर आपको दौड़ने में समस्या होती है तो आप तेज चलकर इसकी भरपाई कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।